निर्भर नहीं करना चाहिए। ये सिखाते हैं सूर्य। सूर्य में प्रकाश है, क्या ज्ञान भगवान में। देखिए छह प्रश्न जो करते हैं ना, उसमें भी सूत जी से प्रश्न करते हैं। श्रवण 88,000 श्रवण का आदि ऋषि, 88,000 श्रवण का आदि ऋषियों के साथ एक ऋषि प्रश्न करते हैं। आकाशवंत विद्वत को भी सभा प्रभा मम कर्ण शायन ऐसे कथा सुनाई है जो मेरे कान को प्रिय हो। और कैसे अज्ञान ध्वंस से अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वंस अर्थात समाप्त करने में आपका ज्ञान। कोई भी सूर्य शास्त्रां तो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है। आपके ज्ञान इतना प्रकाश है कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को स्वतः दूर कर सकते हैं। आगे कौन कौन होंगे? कबूतर, चाचा। कबूतर कैसे, क्या सीखा, क्या शिक्षा मिला? यदु जी कहते हैं कि दत्तात्रेय जी महाराज बताइए कबूतर से भी आपने क्या सीखा। कबूतर नारायण कृतनी कबूतर शार्द देखना। कबूतर जो है ना अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और वन में चले जाते हैं। बच्चों को अगर कुछ पीड़ा है ना आकर लेकर जाने का, कोई ले गया तो बड़े कष्ट होता है। लेकिन कष्ट में भी कबूतर ने अपना जीवन में स्थगित होना स्थिर होना सीखा। आगे क्या सीखा अजगर से? आगे बढ़ो कि अजगर से देखिए, अजगर जो है ना कभी नौकरी नहीं करता अर्थात कभी भोजन करने के लिए घूमता नहीं, एक जगह पर आया पकड़ लिए भैया कस के ग्रहण कर लिए। और ग्रहण करने के बाद क्या करते ले देकर एक पेड़ में जाते हैं, पेड़ में लपेट उनमें विष नहीं होता लेकिन ग्रहण करने के बाद पेड़ में लपेट लिया। अजगर कर ही न चाकरे पंछी कर ही न का दास मलो का यह कहे सबको दातारा। मलुकदास जी क्या कहते हैं? मलुकदास जी जब परीक्षा लिए पहले अच्छी बात मतलब जैसे पेड़ में चढ़ गए जंगल में जाकर दोनों हाथ बांध लिया, अब यहाँ भगवान कहां से आकर भोजन देंगे मैं देखता हूँ। नीचे कुछ व्यापारी गण आए जैसे कृष्णा कुछ व्यापारी गण आए सब वृक्ष के नीचे भोजन किया और भंड को वहां रख दिया जिसमें अन्न भी कुछ कर बच गए। व्यापारी चले गए इस सब दृश्य को देख रहे मतलब वन में डाकू भी थे। जब डाकू देखते हैं ये भोजन कौन रखा है, एक डाकू कहता है महाराज ये ना राजा का कोई चाल होगा इसमें विष विष मिला दिए होंगे हम सब डाकुओं को मारने के लिए। श्री हरि समिति वालों से निवेदन है हल्ला नहीं करेंगे। तो देखिए कितना सुंदर मलुकदास जी देख रहे हैं इस विचित्र लीला को। नीचे क्या हो रहा है? डाकू आया बोले देखो कोई ना कोई छुपा होगा राजा का सैनिक। जब मलुकदास जी दिखे तो उनको लेकर आए, उनके हाथ धोले और ठूस ठूस के खिलाते, खाओ भैया तुम कहीं जहर तो नहीं है, सबको खिला दिया। भगवान की कृपा मलुकदास जी भक्त हो गए और दास मलुक यह कहे सबको दाता राम। उस समय से कह दिए सबका दाता कौन है? बोले गोविंद ही राम ही। अजगर से सीखा पेटे पेटे उनको।